हेलो गाइस, सो हम आज पढ़ेंगे बिहेवियर मॉडलिंग। इसको पढ़ने से पहले आप पुराने सारे पार्ट्स पढ़ लीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी इसको समझने में। सो बिहेवियर मॉडलिंग में हम क्या समझेंगे कि हमारा जो ये चार्ट जो हम बना रहे हैं सारे, उन चार्ट में हम अकाउंट को हमने रेक्टेंगल क्यों बनाया, ऑर्डर प्रोसेसिंग को सर्कल क्यों बनाया, एरो उसका क्या मतलब है, ये सब समझेंगे हम, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ये रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूल को, ठीक है। जो अकाउंट है ये एक मॉड्यूल है, कस्टमर है एक मॉड्यूल है, स्टूडेंट है एक मॉड्यूल है, फैकल्टी है एक मॉड्यूल है। तो आप समझ के हो गए एक मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। मॉड्यूल इन्वोकेशन एरो, ठीक है, ये आपका मॉड्यूल है। यहाँ से जो एरो गया, यहाँ पे जो एरो आया, ये क्या है, इन्वोकेशन एरो की डेटा फ्लो कैसे क्या हो रहा है, डेटा फ्लो एरोस, ठीक है। डेटा फ्लो एरोस की जैसे कि यहाँ ये जो है ना इतना पार्ट, ये इतना जो ट्रायंगल बना हुआ है कि डेटा ऊपर जा रहा है, डेटा नीचे आ रहा है, यह है डेटा फ्लो डायग्राम, ओ सॉरी डेटा फ्लो एरो, ठीक है। लाइब्रेरी मॉड्यूल रिप्रेजेंटेड बाय विद रेक्टेंगल विद डबल एजेस, ठीक है। लाइब्रेरी मॉड्यूल में आपका डबल एजेस से रिप्रेजेंट हुआ था, ठीक है, ये देखिए। सो सिलेक्शन रिपीटेशन रिप्रेजेंटेड बाई डायमंड सिंपल, कहीं आपको इफ एल्स कंडीशन लगानी है तो आपका क्या आएगा, डायमंड बनेगा वो डायमंड, ठीक है। यहाँ पे कहीं है नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिखाऊंगा आगे फ्यूचर में, जब भी आपको कुछ कंडीशन लगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एक डायमंड बना दोगे। डायमंड मींस क्वाड्रिलेटरल ड्राइव, ठीक है। कहीं आपको रिपीटेशन है तो वहाँ लूप लगा दो, एरो लगा दो ऐसे गोल, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्म एनालिसिस, ठीक है। ट्रांसफॉर्म एनालिसिस आइडेंटिफाइज प्राइमरी फंक्शनल कंपोनेंट्स, ठीक है। हमारे जो मॉड्यूल्स हैं क्या क्या हैं, इस एग्जांपल में हमारे हैं कस्टमर्स, उसके स्टोर, अकाउंट, ये सब क्या हैं, मॉड्यूल्स हैं। सो मॉड्यूल्स एंड हाई लेवल इनपुट्स एंड आउटपुट फ्रॉम दीज कंपोनेंट, द फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसफॉर्म एनालिसिस। तो हमारे क्या होगा, डिवाइड DFD इनटू थ्री टाइप। तो DFD को हमें तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, इनपुट, लॉजिकल प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है। इनपुट में हमारे जो इनपुट हम दे रहे हैं, और आउट लॉजिकल प्रोसेसिंग में जो इनपुट के अकॉर्डिंग जो लॉजिकल प्रोसेस हो रही है, आउटपुट जो लॉजिकल प्रोसेस ने आउटपुट करके कुछ दिया। द इनपुट पोर्शन ऑफ द DFD इंक्लूड प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट डेटा फ्रॉम फिजिकल, ओके, कुछ भी दे सकते हो आप, एक पूरी लिस्ट दे दो कि भाई साहब ये लिस्ट है, इसको सॉर्ट करके दे दो, तो उस लिस्ट में एलिमेंट होंगे, वो प्रोसेस होंगे, सॉर्ट होंगे, उसका आउटपुट मिल जाएगा आपको, तो वही लिखा है, ठीक है। अब हमने अभी इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सिर्फ नाम पढ़ा था और उसमें UML देखा था, बस नाम, और हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे UMLs को, ठीक है। सो इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच द सिस्टम इज व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने अगर ऊप्स पढ़ा हो तो उसमें ऊप्स क्या होता है, क्लास होता है, क्लास एक एब्स्ट्रैक्शन होता है पूरा डेटा का और फंक्शन का। आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट उस डेटा और फंक्शन को यूज़ कर पाता है, तो इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होते हैं ऊप्स में, ठीक है। अमंग द ऑब्जेक्ट्स इन्फॉर्मेशन और लाइब्रेरी ऑटोमेशन आपको समझ में आ ही होगा, ऊप्स आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, आपको आ जाना चाहिए। जैसे मैसेज पासिंग होती है, हमने ये PPL में भी पढ़ा था, ECA में भी पढ़ा था। वॉट इज मॉडल, ठीक है, मॉडल क्या होता है, तो मॉडल बेसिकली, सो मॉडल क्या होता है बेसिकली, मॉडल कैप्चर्स एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एप्लीकेशन। आपका जो एप्लीकेशन होता है उसमें जो आपके मॉडल्स होते हैं, जो आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक मॉडल है, ठीक है, उसमें आपने उसका डेटा टाइप्स लिखे हैं, ठीक है, बट वो आप रियल वर्ल्ड में दिखाना नहीं चाहते, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट करके रखोगे हर चीज़ को, ठीक है, हर चीज़ से आप उसको समय आने पर यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी ग्राफिकली, टेक्सचुअल, मैथमेटिकल, ठीक है। मॉडल्स आर वेरी यूजफुल इन डॉक्यूमेंटिंग डिज़ाइन एंड एनालिसिस द रिजल्ट, ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इसका एसेंशियल रोल है। मॉडल्स ऑल्सो फैसिलिट एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोसीड देमसेल्फ, ठीक है। इसमें आप इसके खुद के जो फंक्शंस हैं वो उसमें आप एम्बेड कर सकते हैं, क्लास होती है, क्लास में आप उसके डेटा और उसके फंक्शंस मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे ग्राफिकल मॉडल्स आर वेरी पॉपुलर बिकॉज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड दे कंस्ट्रक्ट। आप मॉडल्स को ग्राफिकली डेटा, मतलब एक डायग्राम बना कर समझ सकते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है, इसने ट्रांजेक्शन किया, तो इसका ऐसे माइनस हो गया उसका अमाउंट, ऐसे वहाँ ऐड हो गया अमाउंट, समझ पा रहे हैं आप, तो उसको ग्राफिकली देखेंगे। अभी हम सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, यहाँ ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मॉडल की जरूरत क्यों है, ठीक है, एनालिसिस करना, उसकी स्पेसिफिकेशन, सारी कोड जनरेट कैसे करना है,
उसकी डिज़ाइनिंग का जो फेस आएगा, उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हम कैसे विजुलाइज करेंगे, विजुलाइज एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वर्किंग ऑफ सिस्टम, टेस्टिंग, हर चीज़ के बारे में हम यहाँ सोचेंगे। तो ये सब मैं कौन करिएगा, मॉडल, मॉडल ये सब चीज़ें आसान करेगा हमारे, ठीक है। इन ऑल दिस एप्लीकेशन द UML मॉडल्स कैन नॉट ओनली बी यूज टू डॉक्यूमेंट द रिजल्ट बट ओनली टू अराइव द रिजल्ट देमसेल्फ। UML में हम ना कि हम उसमें डॉक्यूमेंट, साथ में हम उसका रिजल्ट भी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। सिंस अ मॉडल कैन बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पज, ठीक है, इट इज़ रीजनेबली टू एक्सपेक्ट दैट मॉडल वुड वेरी डिपेंडिंग ऑन द पर्पज फॉर विच इट बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। सो मॉडल, हर मॉडल कुछ ना कुछ कर सकता है, बट जो UML है उसके स्पेशल पावर्स हैं, ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। हम UML पढ़ते हैं डायरेक्ट, ठीक है। UML एज अ नेम इम्प्लाइज दैट, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज है मॉडल करने की। सो इट मे बी यूज टू विजुलाइज, ठीक है, कंस्ट्रक्ट, हम जो अपने डॉक्यूमेंट को बनाएंगे सॉफ्टवेयर के लिए, जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसको बनाने में और चीज़ों को विजुलाइज करने में, प्रॉब्लम्स को विजुलाइज करने में, स्पेसिफिकेशन को स्पेसिफाई करने में, ये UML डायग्राम बहुत हमें सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स सेट ऑफ नोटेशन, ठीक है। UML में क्या करता है, ये हमें, जैसे हमने DFD में पढ़ा था वैसे ही इसमें रेक्टेंगल्स, लाइंस, लिप्स, ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब क्या करते हैं विजुअली अपने दिमाग में मॉडल बना लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसा उसमें फ्लो होगा, ठीक है। UML हैज़ इज ओन सिंटैक्स, ठीक है, सिंबल एंड सेंटेंसेस, सिमेंटिक्स, हर उसका मतलब भी है इसमें। यू शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट UML इज़ नॉट ए सिस्टम डिज़ाइन और डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, ठीक है, बट कैन बी यूज डॉक्यूमेंट, इससे हम डॉक्यूमेंटेशन ईजी कर सकते हैं। मतलब हम डॉक्यूमेंट में लिखेंगे कि इसने ऐसा किया और वैसा किया, तो वो बहुत टिपिकल है। हम अगर डायग्राम के थ्रू बनाएंगे तो हम देख के हमारे को क्लियर हो जाएगा हर चीज़। जैसे आप इस डायग्राम को देख रहे होगे तो आपको बहुत सीधे, आपने इस डायग्राम को देखा, आपने कहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, बट अगर यहीं पर ही वो दो लाइन में लिखा हो तो ये चीज़ आपको थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए UML बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो UML था। अब UML डायग्राम देख लेते हैं। UML कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम, ठीक है, 9 तरीके के डायग्राम बनते हैं इसमें, ठीक है। कैप्चर 5 डिफरेंट व्यूज ऑफ ए सिस्टम, उसमें हम 5 व्यूज होते हैं। एक होता है यूजर व्यू, जो यूजर देखेगा, एक होता है स्ट्रक्चुरल व्यू, एक होता है उसका बिहेवियर व्यू कैसा है, इम्प्लीमेंटेशन व्यू और एनवायरमेंट व्यू। तो 5 तरह के व्यू होते हैं, ठीक है। सो इन 5 व्यू में जो हमारा जो है, क्या कहते हैं, कामयाब कैन ए मॉडल फ्रॉम सेवरल व्यूज सच एज वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिकल, लाइटनिंग, हीटिंग, जो भी आप सोच सकें डिफरेंट डिफरेंट उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब आप इन पांचों व्यूज में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पांचों के व्यू अलग अलग है, उसमें आपको अलग अलग चीज़ दिखेंगी, ठीक है। अब यूज़र व्यू, ये वही एग्जांपल जो मैं आपको बार बार दे रहा हूँ। यूज़र व्यू में IRCTC आपने टिकट बुक करी तो ये एक यूज़र के लिए फीचर अवेलेबल है ना, तो वही है फंक्शनलिटीज अवेलेबल फॉर यूज़र, ठीक है। स्ट्रक्चुरल व्यू, ठीक है, ये डेवलपर्स के लिए होता है कि उसने कौन कौन से मॉड्यूल डिफाइन करे, उसने डिफाइन किया स्टूडेंट का पूरा वो क्लास बनी होगी, उस क्लास में उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका नेम है, रोल नंबर, उसके फंक्शन होंगे कि उसके परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है सपोज से, तो ऐसे करके स्ट्रक्चरल, ठीक है। बिहेवियर व्यू, ठीक है, ये करेगा, ये हमारा ओवरऑल पूरे डायनेमिक बिहेवियर पे काम करता है कि हमारे दो सिस्टम कैसे एक दूसरे के बीच मैसेज पास कर रहे हैं, कब कहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रही, तो ये पूरा बिहेवियर व्यू करेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन व्यू, कि हमारा जो द व्यू कैप्चर्स है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम और देयर डिपेंडेंसी, हमारे इंप्लीमेंट करने में कोई कोई लाइब्रेरी हमें रेडीमेड बनी बनाई मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप सपोज मशीन लर्निंग करते हैं तो आपने मशीन लर्निंग में पाइथन में बहुत सारी रेडीमेड लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करते हो और उसके फंक्शन कॉल करते हो, ठीक है, तो आपका काम ईजी हो गया। अगर आप लाइब्रेरीज इंक्लूड नहीं करोगे तो आपको खुद कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही इंप्लीमेंटेशन व्यू। एनवायरनमेंट व्यू, डिफरेंट कंपोनेंट इंप्लीमेंट, डिफरेंट पीस ऑफ हार्डवेयर, अलग अलग हार्डवेयर पर कैसे कैसे कौन सा मॉडल इंप्लीमेंट होगा, तो वही है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा UML के 5 व्यूज, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। थैंक यू।